इंडिया क्राइम न्यूज़ देख रहे सारे ही दर्शकों का असी स्वागत करते हैं। इस वेले की वड्डी खबर आ रही है कादियां दे महला धर्मपुरा दे विच, जिथे कि पुलिस वल्लों तीन दोषियों विरुद्ध मुकदमा दर्ज करन तो बाद पीड़ित परिवार ने इंसाफ की मांग की। प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने दसिया कि बीते दो दिन पहला उसके नज़दीक रहन वाले तीन जाणिया ने औरत दे घर अंदर दाखिल हो के उसके कपड़े पाड़े अते उस नाल अश्लील हरकतां कीतियां, जिस तो बाद उसके परिवार अते उसने स्थानक कादियां पुलिस नूं सूचित कीता। पुलिस वल्लों इस मामले के संबंध में दोषियों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, पर प्रैस कॉन्फ्रेंस के राही पीड़ित परिवार ने अजे भी इंसाफ की मांग की है। कि पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, आओ जानते हैं पीड़ित परिवार की जबानी अते की कहना पीड़ित परिवार का इस मामले दे विच, अते उन्हां नूं परचा दर्ज होने तो बाद भी क्यों इंसाफ की मंग की लोड़ है। देखते रहो इंडिया क्राइम न्यूज़ कादियां तो पत्रकार गुरप्रीत सिंह दे नाल राजबीर कौर की खास रिपोर्ट। अच्छा भैन जी, की नाम जी? अपना अमनदीप कौर। इन्हां ते जिहड़ा परिवारक मैंबर ते जिहड़ा कल हमला होया है, ते किहड़े लोकां ने कीता है, ते की तुसीं देखिया सी? अमित कुमार सोनी कुट्टू नाम दा जिहड़ा वा, इन्हां ने हमला कीता। असीं अजे इन्हां दे घरों उठ के गए ही आ, अजे असीं जाके घर बैठे हाँ तो रौला पा दिता गली 'च, फिर पै गया बच्चे साडे इधर फिरन डे। उन्हें कहा कि कुड़ी नूं उन्होंने आके फड़ लिया, घर पै गए आ के उहदे कपड़े पाड़े बेइज्जत कीता, उहनूं बहुत जलील कीता, उन्हां नूं सिर 'च छित्तर मारे नाले। असीं आण के उन्हां नूं बचाया वा, अंदर लै के आए हाँ, पानी पूनी पिलाया वा, इह उहने चलो बाहर निकल गया है। किन्ने जणे आए सी? तीन जणे। हाँ जी भैन जी, की तुहाडे नाल वाकया होया वा, ते अज जिहड़ा तुसीं प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती इहदा मकसद की दस्सिओ जरा। ਕੰਪਲੇਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਫੜਦੇ ਫੜਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਨਾਨਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਕੋਈ ਟੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਉਂਦੀ ਨੇ ਪਰਵਾਉਂਦੀ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਬਸ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਲਾਲੀ ਸੰਤੂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਮੰਦਰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਝੂਠੇ
परचे कमाने वास्ते एक दूसरे भजा फिर रहा, क्योंकि जो जनानी ने उत्ते की सट ला देनी है, जो मैं घर ही नहीं, मौके का सारा बंदा गवाह है, पुलिस आ गई है, पुलिस ने मौका वेख्या ना कि खून ना कि खराबा है ना कि कल नकबात है ना कुछ हैगा है, सो उल्टा वो पुलिस जाके पिस्टल लैके सानू पिया है, तो सानू ही कह रहा है कि मेरी मेनू इन्होंने वरता है। एक जनानी ने जी कदम पक्षी नहीं मारी, उस कह उस इंसान को कह रहा है कि इन्हें मैं वड्या, मैं है ही नहीं इतने। जिम्मेवार अमित कुमार बच्चे अठारह साल की छोटी मेरी 14 साल की है, मेन खतरा जी तो पूरा फुल खतरा जी। हेलो सर, सत श्रीकाल जी। सत्या गुरप्रीत सिंह गल कर रहे हैं जी, रिपोर्टर कादियां तो। हाँ जी सर, एक मुकदमा दर्ज होया सी परसों अपना मोहल्ला धर्मपुरा कादियां दे विच, ओ जिहड़ा औरत दे नाल मार कुटाई हुई है। ओ दिओ थोड़ी जी जानकारी भी किन्ने जाणे ते मुकदमा दर्ज होया जी। किन्ने जाणे दे ते केड़ी केड़ी धारा लगी जी? 452। हाँ जी। 354 बी। ओके। 500 जी। ओके। ते सर उन्होंने ना अज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी है परिवार ने, पीड़ित परिवार ने। अच्छा। ते उन्होंने इंसाफ दी मांग की थी है कि मतलब जेडे दोषी है हजे तक मतलब फरार है, ते तुहाडे वल्लों की मतलब अगे कारवाई की जा रही है? दोषियां दा रेड़ी का कर रहे हैं, घरों भजे। ओके ठीक है सर, धन्यवाद। इंडिया क्राइम न्यूज़, जुल्म के